हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 14th ऑफ फेब, और 14th ऑफ फेब से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और सभी क्वेश्चंस से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस, यह कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे, तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 13 फरवरी को। और यह दिवस मनाया क्यों जाता है, तो मीडिया में रेडियो के महत्व और लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यह दिवस मनाता कौन है, तो इसे मनाता है संयुक्त राष्ट्र, यानी कि यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, और इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में, और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। और यदि अब हम फरवरी माह के अन्य इंपॉर्टेंट डेज़ को रिवाइज करें, तो 2 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 4 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड कैंसर डे, जबकि वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। 10 फरवरी को क्या मनाया गया, वर्ल्ड पल्सेस डे, यानी कि विश्व दलहन दिवस। और 11 फरवरी को 2 इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए, क्या क्या मनाया गया, वर्ल्ड यूनानी डे और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमन एंड गर्ल इन साइंस। ये दोनों ही डेज मनाए गए हैं 11 फरवरी को। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे की, जो कि मनाया गया है 13 फरवरी को। एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि 13 फरवरी को ही मनाया जाता है, नेशनल वुमेंस डे, जबकि इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को, और नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है 13 फरवरी को। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो भारत में जो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू जी, इनके जन्म दिवस को हम मनाते हैं नेशनल वुमेंस डे के रूप में। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस 14th ऑफ फेब के वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 की शुरुआत कहाँ से की गई है, यानी कि बिम्सटेक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020, तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है ओडिशा के भुवनेश्वर में, यानी कि ऑप्शन ए। और ये जो अभ्यास शुरू किया गया है भुवनेश्वर में, इसका उद्देश्य क्या है, तो किसी भी देश में या किसी भी स्थान में जब आपदा आती है या आपदा आए फ्यूचर में, तो उससे कैसे निपटा जाए, इसी बात को समझने के लिए यह एक समिट रहा जिसका आयोजन किया गया भुवनेश्वर में। अब यदि हम बात करें भुवनेश्वर की, तो ये तो है ओडिशा की राजधानी। और यदि हम बात करें बिम्सटेक की, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की गई थी 6 जून 1997 में, और प्रेजेंट टाइम में इसकी जो चेयरमैनशिप है ये है बांग्लादेश के पास। मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, तो इसकी तो कुल 7 मेंबर कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ के बारे में आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि इन 7 मेंबर कंट्रीज़ में जो 2 मेंबर कंट्री है थाईलैंड और भूटान, ये समिट में हिस्सा नहीं ले रही हैं, जिसका आयोजन भुवनेश्वर में हो रहा है। यदि हम ओडिशा के अन्य शहरों की बात करें, यदि हम बात करें राउरकेला की, तो मैं आप लोग बता दूँ 2023 में जो पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 में होना है, तो इसे होस्ट करेगा भुवनेश्वर और राउरकेला, यानी कि इन 2 सिटीज़ में से होस्ट किया जाएगा। यदि हम बात करें पुरी की, जो कि ओडिशा का ही एक शहर है, तो पुरी ने अभी हाल ही में स्वच्छता दर्पण पुरस्कार अपने नाम किया था। और स्वच्छता दर्पण पुरस्कार से इसे क्यों सम्मानित किया गया था, तो प्लास्टिक कचरा के प्रबंधन के लिए पुरी को दिया गया था स्वच्छता दर्पण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसकी स्थापना की जाएगी मुंबई में। और ये जो वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे, इस नेटवर्क के थ्रू उस स्थान की एयर क्वालिटी, यानी कि वायु गुणवत्ता का पता लगाया जा सकेगा। और मुंबई में 90 स्टेशनों पर इसकी स्थापना की जाएगी, और जब 90 स्टेशनों पर इसकी स्थापना कर दी जाएगी,
इसके बाद जो मुंबई होगा ये दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा निगरानी नेटवर्क बन जाएगा, क्योंकि वर्तमान में दिल्ली में ऐसे नेटवर्क की संख्या कुल 38 जबकि मुंबई में है 5। और जब 90 स्टेशनों पर यह स्थापित किया जाएगा, इसके बाद मुंबई बन जाएगा भारत का सबसे बड़ा निगरानी नेटवर्क। यदि हम बात करें मुंबई की, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है और ये टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रही है, साथ ही मुंबई में ही भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट ओपन किया गया है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि मुंबई और हैदराबाद इन दोनों को ही शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी 2019 पुरस्कारों में 2 अवार्ड अपने नाम किए हैं? तो ये 2 अवार्ड अपने नाम किए हैं साउथ इंडियन बैंक ने। और ये 2 अवार्ड किन किन कैटेगरी में अपने नाम किए हैं? तो देखिए, पहला अवार्ड अपने नाम किया टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की श्रेणी में, यानी कि सबसे ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के मामले में जीता है अवार्ड। दूसरा अवार्ड अपने नाम किया है छोटे बैंकों के बीच सर्वश्रेष्ठ भुगतान प्रणाली की श्रेणी में, और इस श्रेणी में ये रहा है उपविजेता, यानी कि कुल 2 अवार्ड अपने नाम किए हैं साउथ इंडियन बैंक ने। तो इसके बारे में जान लेते हैं, साउथ इंडियन बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1929 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? त्रिशूर, केरल में। और प्रेजेंट टाइम में इसके MD और CEO कौन है? तो इनका नाम है VG मैथ्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी टैगलाइन, और साउथ इंडियन बैंक इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, तो टैगलाइन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है वन वेब, इसने एक साथ 34 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया है ब्रिटेन की स्टार्टअप कंपनी वन वेब ने। और ये जो 34 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, इसे कजाकिस्तान के बैकोनोर पोर्ट से लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 2021 के अंत तक पूरे नेटवर्क को चालू करना है। अब यदि हम बात करें इस कंपनी के बारे में, जो कि ब्रिटेन की एक स्टार्टअप कंपनी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। और लंदन से आप लोगों को और कुछ भी याद आना चाहिए, लंदन में ही हेडक्वार्टर स्थित है एमनेस्टी इंटरनेशनल का और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर स्थित है लंदन में। और प्रेजेंट टाइम में वन वेब कंपनी के CEO कौन है? तो इनका नाम है एड्रियन स्टिकेल, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है ब्रिटेन से रिलेटेड, जो ब्रिटेन है ये अब यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है, और यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला ये पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किस INS को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? और ये सम्मानित किया गया है INS शिवाजी को। महाराष्ट्र के लोनावला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसे सम्मानित किया गया है। और जो प्रेसिडेंट कलर्स होता है, ये सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला प्रमुख सम्मान है। और जो INS शिवाजी है, ये 1945 में नौसेना में शामिल हुआ था। और यदि अब हम बात करें रामनाथ कोविंद जी की, तो ये भारत के किस क्रम के प्रेसिडेंट है? ये हैं 14th क्रम के, और ये कानपुर से हैं। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो हाल ही में इन्हें क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविल ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिसलेव से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये आप याद रखेंगे। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा INS विक्रांत, INS करवती या INS शिवाजी, तो ये INS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिग्गज पत्रकार का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था नंदू आर कुलकर्णी, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। और ये 1992 से द स्टेट्समैन के मुंबई ब्यूरो के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1976 में द इंडियन एक्सप्रेस से की थी, जहाँ पर इन्होंने 16 वर्ष तक कार्य किया था, और अब इनका निधन हो चुका है। यदि हम अदर ऑब्चरी को डिस्कस करें, तो राजू भारतन ये प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रकार थे और फिल्म इतिहासकार थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। गिरिराज किशोर तो ये प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार थे। रोजर कहन तो एक अमेरिकी लेखक थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC के द्वारा जारी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा है? तो देखिए, इस रैंकिंग की यदि हम बात करें, तो टॉप पर है विराट कोहली पहले स्थान पर, रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर,
तीसरे स्थान पर है बाबर आजम और चौथे स्थान पर रहे हैं रोज टेलर। और आप लोगों को इन सभी की कंट्री भी मालूम होनी चाहिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा ये तो हैं भारत से, बाबर आजम ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, जबकि रोज टेलर ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। और यही रैंकिंग रही है 1, 2, 3, 4। यदि हम बात करें आईसीसी की, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना की गई थी 1909 में, हेडक्वार्टर स्थित है दुबई में। प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और सीईओ का नाम है मनु सहानी। और अभी हाल ही में आईसीसी ने दो कंट्रीज़ को री एडमिट किया है, जिम्बाब्वे और नेपाल, तो ये आप याद रखेंगे। और यदि हम आईसीसी के कुछ आगामी टूर्नामेंट को डिस्कस करें तो जो पुरुषों का वर्ल्ड कप होगा 2023 में, इसे होस्ट करेगा भारत, जबकि जो महिलाओं का वर्ल्ड कप होगा 2021 में, इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, यानी कि यूटी की। तो अभी हाल ही में जो पुदुचेरी है, ये सीए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। यदि हम बात करें सीए की, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये लोकसभा में पेश किया गया था 9 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में पेश किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। और जो सीए है, इसके अंतर्गत 3 देशों के 6 समुदायों को, यानी कि ABP, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन 3 देशों के 6 समुदाय, यानी कि हिंदू, जैन, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई, इन 6 धर्मों को नागरिकता देने जाने का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला यूटी, ये तो है पुदुचेरी। लेकिन यदि बात की जाए पहले राज्य की, तो ये है केरल, जिसने कि सीए के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया था। और केरल के अलावा भी पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य इसके विरोध में प्रस्ताव पास कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIS द्वारा 2019 की वुमन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में चुना गया है भारत की ही लाल रेमसियामी को। और लाल रेमसियामी ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं मिज़ोरम से। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके राज्य के बारे में, बाद में हम डिस्कस करेंगे FIH के बारे में। मिज़ोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ज़ोरम थंगा। और गवर्नर कौन है? कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अब यदि हम बात करें FIH के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना की गई थी 7 जनवरी 1924 को, हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन स्विट्ज़रलैंड में। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? नरिंदर बत्रा, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। और देखिए, बात यहाँ पर हॉकी की ही आ रही है, और एक और प्लेयर है जो हॉकी से रिलेटेड है, जिनका नाम चर्चे में रहा है, रानी रामपाल। जो रानी रामपाल है, इन्हें अभी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला ग्लास ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है, तो इसका राइट आंसर था उत्तराखंड। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश को ICC वुमन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।